पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी गई है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसके बाद अब जमानत को लेकर यह सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। निचली अदालत में देखिए उनके जमानत को हालांकि खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई, जिसके बाद यह सुनवाई होगी। चुनावों के लिए यहां पर परमिशन मांगी जाएगी जमानत की। तो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी आजम खान ने। इस बार सपा ने उनको प्रत्याशी पर फिर से बनाया। आजम खान के भी जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद अब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई आज उनकी जमानत पर होगी। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आजम खान ने जमानत मांगी। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। अवैस उस्मानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैस, कितने बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी आजम खान की जमानत को लेकर? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई आदम खान की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इस याचिका में आदम खान ने दलील दी है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत याचिका जो है वो अंतरिम जमानत जो है वो दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से उनके खिलाफ जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं उसमें जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि वो चुनाव में शामिल ना हो पाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अंतरिम जमानत की मांग जो है इसको लेकर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में कभी भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। जस्टिस नागेश्वर राव की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैस तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। आजम का अभी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसके बाद अब उनकी तरफ से जमानत अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा आजम का की इस याचिका पर सुनवाई।